सपा विधायक लकी यादव समेत 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ठेकेदार की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस विधायक लकी यादव समेत 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ बंधक बनाकर मारने पीटने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने समेत 7 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सपा विधायक के खिलाफ FIR दर्ज होते ही सपाइयों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि शहर कोतवाली के ठेकेदार हितेश कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय सत प्रकाश सिंह निवासी ग्राम दिजहानिया थाना बक्सा ने तहरीर दिया कि मैं लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार हूँ। 23 अप्रैल को रात्रि समय करीब 10:30 बजे अवस्थापना निधि के तहत जेसिस चौराहे से ओलनगंज सड़क चौड़ीकरण एवं नाली निर्माण का कार्य चल रहा है। मैं तथा अवर अभियंता दिनेश कुमार भास्कर पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम दहिया थाना मुगलसराय जिला चंदौली अपनी टीम के साथ वर्तमान विधायक घर के सामने विपरीत पटरी पर नाप एवं जोख का कार्य कर रहे थे। तभी विधायक लकी यादव अपने 8-10 समर्थकों के साथ गाली गलौज करते हुए कार्य बंद कराने लगे। हम लोगों ने कार्य बंद करने से मना किया तो अवर अभियंता दिनेश कुमार भास्कर एवं मुझे तथा मेरे चाचा चंद्र प्रकाश सिंह को मारने पीटने लगे। अवर अभियंता दिनेश कुमार भास्कर मुझे तथा स्वदेश दीपक को पकड़कर अपने घर में बैठा दिए तथा बंधक बना लिए। हमारी टीम से किसी ने पुलिस को सूचना दिया तो हम लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस के आने पर किसी तरह हम लोग जान बचाकर भागे। विधायक लकी यादव व उनके समर्थकों द्वारा हम लोगों को मारा पीटा गया है तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया गया है तथा इनके द्वारा धमकी दी गई कि दोबारा काम शुरू किया तो जान से मार देंगे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने लकी यादव समेत 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 323, 332, 342, 353, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि सोमवार की शाम जेसी चौराहा से लेकर ओलनगंज तक जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण से मुक्त कराया। अचानक हुई इस कार्रवाई से दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। बुलडोजर की गर्जना से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। एक एक करके पक्के कच्चे सभी अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। जब विधायक लकी यादव की आवाज के सामने बुलडोजर पहुंचा तो सपाइयों में हड़कंप मच गया। चुनाव प्रचार में जुटे नेता कार्यकर्ता प्रचार छोड़कर विधायक के खिदमत में पहुंच गए। हालांकि अधिकारियों ने सीमांकन करके 2 दिन के भीतर खुद से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी देकर आगे बढ़ गए। बीती रात में जनपद जौनपुर में मलनी के माननीय विधायक जी के आवास पर यह सूचना प्राप्त हुई कि सड़क चौड़ीकरण से संबंधित जो PWD विभाग के कुछ इंजीनियर और उसके ठेकेदार को वहाँ पर बंधक बना लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली सिटी से और लाइन बाजार से पर्याप्त पुलिस बल और सिटी मजिस्ट्रेट स्वयं वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर तथाकथित जो लोग रोके गए थे उनको वहाँ से मुक्त कराया गया। और उसके बाद ये कुछ तथ्य प्रकाश में आए कि वहाँ पर धक्का मुक्की और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो उसको भी संज्ञान में लेते हुए इस पूरे प्रकरण की और उस घटना से संबंधित सभी तथ्यों के संबंध में एक सक्षम अधिकारी के द्वारा इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो प्राप्त निष्कर्ष हैं उसके आधार पर, गुण दोष के आधार पर जो विधिक कार्यवाही है वो की जाएगी।